हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रही हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हाउ टू सॉल्व सच कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, राइट। अब हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5, तो उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 हम इस वीडियो में करेंगे सॉल्व, ठीक है। बाकी जो प्रीवियसली वीडियो के लिंक्स हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें दो फंक्शंस गिवन हैं अलग अलग से, इसको यू मान लेते हैं, इसको वी मान लेते हैं और इस पूरे फंक्शन को वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें डिफ्रेंसिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए हमें डी यू बाई डी एक्स चाहिए और साथ में डी वी बाई डी एक्स चाहिए, है ना। अब हम यू को अलग से सॉल्व करेंगे, सो लेट यू इज इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है। अब पावर है तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करने वाले हैं, सो लॉग ले लो दोनों साइड्स पे, सो लॉग ऑफ एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है। पावर आगे आ जाएगी तो ये बन जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स और इधर लॉग यू ही रहेगा, ठीक है। अब हमने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। सो डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग यू, देन डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स लॉग एक्स, यही हो गया हमारे पास। इधर नीचे वेरिएबल क्या है एक्स, ऊपर वेरिएबल क्या है यू, तो करेंगे डी यू से डिवाइड एंड डी यू से मल्टीप्लाई। ये आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, अगर इस तरह से हो तो उसी वेरिएबल के नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर डिवाइड, सॉरी नीचे डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखो दो फंक्शंस हैं तो यू वी रूल लगेगा, तो यू वी का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज़, वी का डेरिवेटिव यू एज इट इज़, है ना। यहाँ पर यू की जगह पर है साइन एक्स और वी की जगह पर है लॉग एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे और लॉग एक्स को ऐसे ही लिख देंगे, फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे और साइन एक्स को एज इट इज़ लिख देंगे। ये हमने लगा दिया प्रोडक्ट रूल, ठीक है। दिस इज़ वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है, साथ में लॉग एक्स आ गया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स होता है, साथ में साइन एक्स आ गया, ठीक है। हमें लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ डी यू बाई डी एक्स चाहिए, तो यू नहीं चाहिए तो यू को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। सो कॉज एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, और इसमें यू की वैल्यू पुट कर दो। सो डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है। तो ये आ गया कॉज एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ये आ गया आपका डी यू बाई डी एक्स, मतलब ये वाला इतना पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब बारी कर बात करते हैं साइन एक्स की पावर कॉज एक्स यानी कि वी की, ठीक है। तो हमने वी को माना है साइन एक्स, ठीक है, की पावर कॉज एक्स। फिर से पावर है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे, सो लॉग लेंगे दोनों साइड्स पे, सो लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर कॉज एक्स, ठीक है। सो लॉग वी, सो ये लॉग की वजह से ये कॉज एक्स जो है वो आगे आ जाएगा, सो कॉज एक्स लॉग साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। सो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो डिफरेंशिएट करना है डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग वी, देन डी बाय डी एक्स ऑफ कॉज एक्स और साथ में लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब फिर से देखो नीचे वेरिएबल क्या है एक्स, ऊपर वेरिएबल क्या है वी, सो डी वी से मल्टीप्लाई डी वी से डिवाइड, ठीक है। यहाँ से आप जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आप सीधा इसको लिख सकते हो वन बाय वी डी वी बाय डी एक्स, ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। यहाँ पर क्या है दो फंक्शंस हैं, फिर से यू की जगह पर क्या है कॉज एक्स है और वी की जगह पर क्या है लॉग साइन एक्स है, एंड यू वी का डेरिवेटिव क्या होता है यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज़, वी का डेरिवेटिव यू एज इट इज़, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगाने जा रहे हैं, सो सबसे पहले कॉज एक्स का डेरिवेटिव करेंगे और लॉग साइन एक्स को एज इट इज़ रख देंगे, फिर प्लस लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, और साथ में
जो कॉज एक्स है उसको एज इट इज़ रहने देंगे। ये हो जाएगा वन अपॉन वी, ठीक है, डी वी बाई डी एक्स। कॉज एक्स की क्या होती है, माइनस साइन एक्स, साथ में क्या आएगा, लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब लॉग एक्स की क्या होती है, वन बाई एक्स, यहाँ पर क्या है, लॉग साइन एक्स, यानी कि वन बाई साइन एक्स हो गया। और साइन एक्स की क्या होती है, साइन एक्स की होती है कॉज एक्स होती है, इंटू कॉज एक्स, ठीक है, राइट। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ क्या चाहिए, डी वी बाई डी एक्स, तो वी को उठाकर मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रही हूँ। सो माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है, कॉज अपॉन साइन हो जाएगा कॉट एक्स, और साथ में कॉज एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब वी की वैल्यू पुट कर दो, सो वी की वैल्यू है साइन एक्स की पावर कॉज एक्स, ठीक है। ये कॉट एक्स और कॉज एक्स पॉजिटिव था तो इसको आगे कर देती हूँ, ठीक है। और ये वाला जो चीज़ है साइन एक्स लॉग साइन एक्स, इसको पीछे कर देती हूँ। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अब हमें क्या निकालना था, हमें तो निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। वो किसके बराबर था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, दोनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं, ठीक है, तो दोनों को प्लस कर दो। तो यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज़ एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा कॉज एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, ये डी यू बाई डी एक्स की होगी, प्लस ये होगी साइन एक्स की पावर कॉज एक्स, ठीक है, कॉट एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो जब आप आंसर्स इस तरह से देखते हो ना तो हमेशा डरते हो, बट अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे हर क्वेश्चन को तो ये आंसर्स आपको श्योरली मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक को मान लेते हैं u और एक को मान लेते हैं v, और इस पूरे फंक्शन को मान लेते हैं y, ठीक है। तो इसकी अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी विल गेट डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स चाहिए हमें, है ना। अब यहाँ पर लेट u मान लेते हैं x की पावर x cos x, यही हो गया। अब यहाँ पर दोनों तरफ से log लेंगे, तो log u is equals to log of x की पावर x cos x, तो हम यूज़ करें हैं logarithmic differentiation, ठीक है। अब क्या करना है, अब log है तो जो जो इसकी पावर है वो आगे आ जाएगी, यानी कि x cos x आगे आ गया और यहाँ पर बचा log x, ठीक है, और इधर हमारे पास log u ही है। अब इसकी हमने करनी है differentiation with respect to x, तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो d बाई डी एक्स ऑफ log u, देन d बाई डी एक्स ऑफ x cos x, साथ में log x, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे वेरिएबल क्या है x, ऊपर वेरिएबल क्या है u, फिर से डी यू से मल्टीप्लाई एंड डी यू से डिवाइड, सो d बाई डी यू ऑफ log u, डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, सो d बाई डी एक्स। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, फिर से यू वी लगाएंगे हम जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाया, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़। यहाँ पर u की जगह पर क्या है, x cos x है, और v की जगह पर क्या है, log x है, ठीक है। चलिए, तो हमने सबसे पहले x cos x का डेरिवेटिव करना है, log x को एज इट इज़ रखना है, फिर log x का डेरिवेटिव करना है, d by dx करना है, और x cos x को एज इट इज़ रखना है, ठीक है, सिंपल लगा लिया हमने। अगर आप ये चीज़ रफ़ में लिख लेंगे ना तो ये स्टेप लिखना बहुत ही आसान हो जाता है, ओके। सो वन बाई यू हो गया, डी यू बाई डी एक्स हो गया, लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो गई। अब बचा हमारे पास ये d बाई डी एक्स ऑफ x cos x, ठीक है। इसको ध्यान से देखोगे तो आपके पास यहाँ पर भी दो ही फंक्शंस हैं, जैसे ये u है और ये v है, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। अब u की जगह पर क्या है, x है, और v की जगह पर क्या है, cos x है, तो एक क्वेश्चन में दो से तीन बार भी u v रूल लगता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। सो d बाई डी एक्स ऑफ x cos x एज इट इज़, देन आप cos x का करेंगे और x को एज इट इज़ रखेंगे, सो ये हो गया वन इंटू कॉज एक्स प्लस, अब कॉज एक्स की क्या होती है, माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स, तो ये आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में कॉज एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हो,
बट अगर करोगे ना ऐसे तो हर स्टेप आपको साथ साथ बाकी सारी चीज़ें भी लिखनी पड़ती हैं, तो इसको बेटर है कि आप सेपरेटली सॉल्व करके इसका आंसर बस यहाँ लिख दिया करो। ठीक है, तो ये हो गया कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स आई इसकी पूरा डी बाई डी एक्स करके। ठीक है, साथ में है लॉग एक्स एज इट इज़। ठीक है, लॉग एक्स की क्या होती है, 1/x होती है, और साथ में एक्स कॉस एक्स आ गया, ये एक्स के साथ ये वाला एक्स कट गया। ठीक है, ये वाले एक्स को नहीं काटना होता क्योंकि ये कॉस का एंगल होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का, कॉस एक्स के आगे एक्स था तो मैं कट कर पाई। चलिए डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब यू मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अंदर है मेरे पास कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है, लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब यू की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। सो डी यू बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू जो आ रही है मेरे पास, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है, देन कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और साथ में लॉग एक्स, और साथ में कॉस एक्स। ठीक है, अब एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा कॉस एक्स लॉग एक्स, ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और एक और स्टेप अगर कर दूं तो यहाँ पर ये जो कॉस एक्स लॉग एक्स है और ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स कॉमन ले लेती हूँ, अंदर आ जाएगा लॉग एक्स प्लस वन। ठीक है, माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो ये मेरी सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है और ये मेरा आंसर है डी यू बाई डी एक्स का। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं अपने वी को। तो हमने वी जो है वो लेना है एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पर सिंपल यू बाय वी यानी कि क्वोशेंट रूल लगेगा। वो क्या होता है, यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज़ माइनस वी का डेरिवेटिव यू एज इट इज़ डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्रोवाइडेड वी बी नॉट बी ज़ीरो। ठीक है, चलिए तो अप्लाई कर लेते हैं। दिस इज़ अवर यू एंड दिस इज़ अवर वी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड पे ही लिख लेती हूँ कि मेरा यू जो है दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड वी जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस वन है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो डी वी बाई डी एक्स निकाल रही हूँ मैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन साथ में एज इट इज़, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव और एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पर इनके डेरिवेटिव्स में यहाँ पर अलग से आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ तो ये मैं डेरिवेटिव्स इनके अलग अलग कर सकती हूँ। एक्स स्क्वायर का अलग कर दिया और वन का अलग कर दिया, इसका क्या हो जाएगा 2x और इसका क्या हो जाएगा 0 क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो सिंपल 2x आ गया, साथ में एक्स स्क्वायर माइनस वन ये वाली टर्म। ठीक है, माइनस अब इसका भी ऐसे ही है, 2x आ जाएगा अकेला और एक्स स्क्वायर प्लस वन साथ में। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको कर दो मल्टीप्लाई, 2x का क्यूब माइनस 2x माइनस 2x का क्यूब माइनस, अंदर साइन चेंज हो जाएगा 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। सो यहाँ से हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है, सो ये 2x क्यूब कैंसिल हो रहा है, सो माइनस का 4x हो गया ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ अवर डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये आ गया आपका डी वी बाई डी एक्स। क्लियर, अब हमें क्या चाहिए था, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करो। वो क्या निकाली थी, एक्स एक्स रे एक्स रेज टू पावर एक्स कॉज एक्स, साथ में कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वन माइनस, ये मैं पीछे से देख के लिख रही हूँ जो मैंने अभी निकाली थी, एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, प्लस 4x, यहाँ प्लस की जगह आप माइनस ही लिख सकते हो क्योंकि इसके आगे माइनस है ना, तो माइनस ही कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो दो टर्म्स हैं, इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, अलग अलग से सॉल्व करेंगे और पूरे फंक्शन को मानेंगे y। सो अगर हमें dy बाई डी एक्स चाहिए
तो उसके लिए हमें du बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा और dv बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हमने u को माना है x cos x की पावर x, यही माना है हमने। अब log ले लेंगे, logarithmic differentiation को यूज़ करेंगे, सो log ले लिया मैंने ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, तो जो पावर है वो अब आगे आ जाएगी। ठीक है, सो ये x जो है वो आगे आ गया, यहाँ है log, फिर है हमारे पास x cos x। ठीक है, और इधर क्या है मेरे पास, log u ही है। ठीक है, चलिए तो इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका d by dx ऑफ log u, देन d by dx ऑफ x log x, देन cos x। ठीक है, अब ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि ये जो x हैं वो किन किन के साथ हैं, या log x है या x cos x इकट्ठा है। तो आपको ना इस चीज़ का ध्यान रखना है जब आपने इसमें से u v चूज़ करना है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर करने के लिए du से डिवाइड और du से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मैंने इधर वाला स्टेप तो सेम ही है सारे क्वेश्चंस में चल रहा, अब इधर वाला स्टेप देखते हैं। इधर वाले स्टेप में ये जो x है ये सिर्फ अलग है और log x cos x ये इकट्ठा है। ठीक है, तो यानी कि जब हम ये uv रूल यहाँ पर लगाएंगे, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़, तो इस केस में ये जो u है वो x रहेगा, क्योंकि ये जो x है वही आगे आया था, है ना। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। और जो v है वो ये पूरा है, log x cos x, आप इस तरह से भी लिख सकते हो इसको, log ऑफ x cos x, क्योंकि ये x cos x शुरू से इकट्ठा ही है, राइट, ओके। चलिए तो अब हमने क्या करना है, डी यू वी रूल अप्लाई करना है। सो d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू log ऑफ x cos x, ये इकट्ठा लिख लेंगे, प्लस अब करना है d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x cos x। ठीक है, और साथ में हमारे पास यहाँ पर x एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर आ गया 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसका भी 1 हो गया, और ये है log x cos x। ठीक है, ब्रैकेट ले लोगे तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा कौन किसके साथ है। ठीक है, log of x cos x वो क्या हो गया, 1 अपॉन x cos x। ठीक है, बट ये x cos x की हमें डिफ्रेंसीशन फिर से करनी पड़ेगी, सो x cos x की डिफ्रेंसीशन करेंगे और x एज इट इज़ साथ में। ठीक है, ओके जी, अब नेक्स्ट स्टेप में चेक करो क्या कर रही हूँ। सो डी यू बाई डी एक्स, यू को मैं लेके जा रही हूँ राइट हैंड साइड पे, तो ये वाली जो टर्म है वो क्या बच गई, log of x cos x। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर 1 अपॉन x cos x, ओके, अब हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है ना, ये चीज़ सॉल्व करनी है। अब हमें सिंपल यू वी रूल से फिर से इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर ही सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। सो मैं आई एम गोइंग टू सॉल्व डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स, इसमें एक्स एक फंक्शन है, कॉस एक्स एक फंक्शन है, यू वी रूल लगाएंगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स एज इट इज़, देन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, और फिर एक्स एज इट इज़, ये हो गया 1, ये हो गया cos x, ये हो गया sin x into x, तो ये आ गया cos x minus x sin x, सेम हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था ना ऐसा, तो ये आ गया आपका इसका आंसर। तो मैं यहीं पर सीधा आंसर ही पुट कर रही हूँ, ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर भी सॉल्व कर पाएंगे। और ये वाला जो x है ये वाले x के साथ कट ही गया है, तो इस x को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे कि डी यू बाई डी एक्स, यू मैं ले गई राइट हैंड साइड पे, ये वाला जो u था, log इंटू x cos x, पहली टर्म ये है, 1 बाई ये x के साथ x काट दिया तो 1 बाई cos x बचा, और ये जो d बाई डी एक्स का x cos x का था ये मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब मैं u की वैल्यू जो है वो पुट कर देती हूँ। सो u की वैल्यू है मेरे पास x cos x की पावर x। ठीक है, तो अंदर मेरे पास आ रहा है log of x cos x, ठीक है, प्लस अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, cos x डिवाइडेड बाय cos x वो हो जाएगा 1, और ये x sin x अपॉन cos x दोनों के साथ डिवाइड कर दिया ना, तो ये हो जाएगा tan x। ठीक है, तो ये आ गया आपका इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, ये हुआ है आपका u सॉल्व। अब हम करने जा रहे हैं v को सॉल्व। तो v है हमारा x sin x की पावर 1 बाई x। ठीक है, तो अब यहाँ पर log लेंगे दोनों साइड पे,
तो log v और log इस साइड का भी ले लिया, x साइन x की पावर 1 बाई x, ठीक है। ये जो 1 बाई x है वो आगे आ जाएगा, सो log ऑफ x साइन x, ठीक है, ये हो गया log v, क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, क्या करना है, हमें dv बाई dx निकालना है, ठीक है। तो हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे, d by dx of log v equals to d by dx of 1 by x log of x sin x, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से नीचे वेरिएबल क्या है x, ऊपर वेरिएबल क्या है v, सो dv से मल्टीप्लाई एंड dv से डिवाइड, सो dv by dx, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, 1 बाई एक्स एक हमारा फंक्शन है, एक हमारा फंक्शन है ये, फिर से यू वी रूल लगेगा, सो इसमें यू जो है दैट इज़ 1 बाई एक्स और वी जो है वो है लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, ठीक है, यू वी रूल लगाने जा रही हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स एंड लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स एज इट इज़, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कर दिया और 1 बाई एक्स को एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 बाई वी हो गया, डी वी बाई डी एक्स हो गया, लेफ्ट साइड सॉल्व हो गई। 1 बाई एक्स का, 1 बाई एक्स का हमारे पास क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, ये आपको अच्छे से पता है। अगर हम डी बाई डी एक्स और 1 बाई एक्स करते हैं, तो अगर 1 बाई एक्स को लिखा जाए तो एक्स की पावर माइनस 1 होता है, और हमें अच्छे से पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या होता है, वो होता है एन एक्स एन माइनस वन, यही होता है, सो माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन माइनस वन, यो माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू, तो अगर देखा जाए तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है ना। तो ये आ गया माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स एज इट इज़, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स वो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स साइन एक्स और x sin x की हमें अलग से डेरिवेशन करनी पड़ेगी, सो d by dx of x sin x साथ में, राइट क्योंकि सिंपल x नहीं है ना, तो जो भी अंदर है उसका डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, साथ में 1 by x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x sin x, ठीक है, प्लस 1 अपॉन ये x को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी x स्क्वायर हो गया, साथ में sin x हो गया, इसका डेरिवेटिव मैं अलग से यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ, सो d बाई डी एक्स ऑफ x sin x एज इट इज़, x एक फंक्शन है, sin x एक फंक्शन है, सो d बाई डी एक्स ऑफ sin x और फिर x एज इट इज़, ये हो गया 1 इंटू sin x, sin x का क्या होता है cos x इंटू x, ठीक है, तो ये हो गया sin x प्लस x cos x, ठीक है, तो ये आ गया sin x प्लस x cos x, राइट। सो ये dv by dx हो गया, और इस पूरे को मैं v से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, ये सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। अब हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और dy by dx की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर मैंने v की वैल्यू पुट करनी है, तो v की वैल्यू है हमारे पास, या फिर बाद में करते हैं v की वैल्यू पुट, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास log, ठीक है, x sin x, राइट, अपॉन x स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके लिख लिया, प्लस अब ये जो है वे दोनों के साथ नीचे डिवाइड होगा, ठीक है, तो ये जब डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन sin x के साथ sin x कट गया, तो सिंपल बचा 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस, अब यहाँ पर जब ये इसके साथ डिवाइड होगा तो x के साथ एक x कट जाएगा, तो 1 बाई एक्स बचा, cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cot x, ठीक है ना, राइट, ये दोनों के साथ डिवाइड हो गया। अब हम लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स, अब मैं v की वैल्यू पुट करने जा रही हूँ, तो v की वैल्यू है x sin x की पावर 1 बाई एक्स, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है, मतलब नीचे अब x है, x स्क्वायर है और x स्क्वायर है, ठीक है, तो तीनों में एलसीएम ले लेते हैं, तो x स्क्वायर एलसीएम आ गया, माइनस ऑफ log ऑफ x साइन x, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, प्लस x cot x, यही आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो अगर इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करके लिखूँ,
तो x साइन x की पावर 1 बाई एक्स, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव टर्म्स हैं वो आगे लिख लेती हूँ, 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग ऑफ x साइन x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई आपकी डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, तो ये जो डी यू बाई डी एक्स आया है, ठीक है, और इसमें हम डी वाई बाई डी वी बाई डी एक्स को प्लस कर देंगे, तो ये मैं नीचे कॉपी कर लेती हूँ, एक्स कॉज एक्स की पावर एक्स, ठीक है, साथ में लॉग ऑफ एक्स कॉज एक्स प्लस वन माइनस एक्स टैन एक्स, ठीक है, प्लस अब डी वी बाई डी एक्स जो पीछे ये निकाली है वैल्यू, ये यहाँ पर लिखने जा रही हूँ, ठीक है। तो ये है एक्स साइन एक्स की पावर वन बाई एक्स, ठीक है, अंदर आ जाएगा मेरे पास वन प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर।